हुमायूं दिन के थोका 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 मार के थोका थोका वेलकम थोका। टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? और अभी हो गई है 7, शाम की 7 बज गया है। तो अभी हम लोग मैं अभी डिनर बना रही हूँ। मैं भी आज मैं बना डिनर रही हूँ पर चिकन करी विद मशहूर मणिपुर। हाय मामा। तो अभी हम लोग डिनर बना रहे हैं गेस्ट संगति ने मणिपुर स्टाइल। तुम भी बोला चिकन करी शंगाई बम्बू शूट रोई नहीं बैम्बू शूट रोई नहीं तेई नाई तंग दी सुनना तेई सिनी चैनल सब्सक्राइब कर दी करना ताकि और भी इस तरह से वीडियो बना पाए। और इस वीडियो को अभी से लेके एंड तक ज़रूर देखे और असिन को भी ढेर सारा प्यार भेजे। हाय बोलो। हाय कैसे हो? हो तो देखते रहना, अभी हम लोग कुकिंग करेंगे। चलो असिन। तो मैं सब प्रोसेस हो गया है चिकन का, मैंने मैरिनेट अभी करूँगी। हमारे यहाँ पे ऐसे ही बनाता है तो मैं अभी शुरू करूँगी। तो पूरे मसाले मैंने एक साथ दे दिया है, अभी इसको ऑयल के साथ मिक्स कर लूँगी। इसमें सब मसाले डाल दिया मैंने, जैसे ऑनियन हो गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, और उसके बाद मीट मसाला, चिकन मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सब कुछ दे के अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैं मैरिनेट करके 10-5 मिनट के लिए इसको रख दूंगी मिक्स करके। आंग मुई बड़ो खाए रोकना बागे खाकुलो बदेरे सोना खा, इसको इंग्लिश में बॉटल गार्ड बोलता है। और मैं ओकरा के साथ इसको ऐसे नॉर्मल बॉईल पकाऊंगी, जो कि हमारे मणिपुर से ये मैं इंस्पायर हुआ हूँ। फाइनली मैंने कढ़ाई में बिठा दिया है। अभी आग कम करके हर किसा कम के आंग बक्सा दे रखा इंगे ताबुग आंग मनो रानाई खाकुलो न रानाई। तो मैं चिकन को आग में बिठा दिया हूँ, अभी इसको अच्छा से मैं स्टायर करूँगी। मन मार्खिन तीन थकना बाहब मत्तम गे तब आंग कहाम के कल दूंग मन गे बेबक मसाला रिपे भी क्या सब मसाला एक साथ डाल के ऐसे बना लिया। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे स्पेशल वाला त्रिपुरा का स्पेशल वाला करी, जो कि ऐसे ही बनाते हैं ट्रेडिशनल, कई कई पुराने जमाने से बना के आ गया है। गेता तेईसा 5-10 मिनट पर तेईसा कल फिनाई
फिर मैं इसको स्टाइल करूँगी 5-10 मिनट के बाद। और दूसरी तरफ बन रहा है मेरे राइस। एक्चुअली गाइस मेरे पास कोई ट्राईपॉड नहीं है, इसलिए हाथ में हाथ पकड़ के शूट कर रही हूँ, एक हाथ पकड़ रही हूँ एक हाथ स्टाइल कर रही हूँ। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर भी मज़ा भी आ रहा है। तो देख सकते हो मैं इसको ऐसे स्टाइल कर करके इसका मसाला को अच्छा से जलाऊँगी। तो जलाने के बाद इसमें पानी दूंगी। यह है यहाँ का स्पेशलिटी, इस तरह से और टेस्ट होता है। यहाँ पे एक कहावत है, तो अभी मैं डालूंगी बम्बू शूट इसमें, जो कि ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाऊंगी। जब मसाला थोड़ा थोड़ा जल रहा था, थोड़ा थोड़ा ऑयल निकाल दिया था, उस टाइम में डाल रही हूँ। তিনিকে আনি মই থাকছি নাই থগু 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 হিনমা হিনছি নাই তিনিকে হিঙ্গে তেকি সে দিকে মাই সঙ্গে তঙ্গ কুকার সঙ্গ মহাকে সঙ্গ ম মণিপুর স্টাইল নি মার খেন থগু মহাকে সঙ্গে আংটি কিসা মডার্ন কে খেলাকে বড় হংকে কোনো মশলা রিয়া হিঙ্গে আংখে ওর মশলা রি সঙ্গ তেব থক না বাগে হিঙ্গে তাব খলবে নাই খলবে ভিনিগার আং কিসার নাই पोथो को विनीगर देने से टेस्ट और भी एनहेंस होता है। तो मैंने विनीगर ऑलरेडी डाल दिया था इसमें। आधा किलो में थोड़ा सा बस 1 टीस्पून मैंने डाल दिया था। ज़्यादा डालने से खट्टा होता है, इसलिए उसका हिसाब से आप लोग डाल देना। तो अभी मैं देख सकते हो मैंने अच्छा से मसाला जला के इसमें अभी पानी डाल दिया है, अच्छा से उबल रहा है। और आज तो मज़ा से खाऊंगी मैं गाइस। और ये डिनर है, सो मैं डिनर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और दिन के मुँह थोक सी नहीं मार के थोक सी नहीं तो ये ठीक से काम करूँगा मज़ा सी नहीं गे अपनी फेवरेट तोगों का तो ये थे হিঙ্গে তিনিকে মো মা টাংছি না হিঙ্গে থেকে সে থেকে বয়েল খাকুলো না বয়েল খাই তঙ্গ হিঙ্গে ইয়ে দুসরে সাইড মে কই কুচ নেই ইস তরহ সে আপ খানে সে বহুত হেলদি হো সকতা হ্যায় আর ইসমে মেনে নমক ভি নেই ডালা কুচ ভি নেই ডালা জাস্ট বয়েল। আর গাইস এসা কবি ট্রাই করকে দেখিয়ে আপ সব ভুল যাওগে পুরো মশালা इतना टेस्ट दिएगा इस ऐसे बॉयल। हम नॉर्थ ईस्ट लोग का चमकने का ग्लोइंग का क्या रीज़न है, यही रीज़न है क्योंकि हम लोग बॉयल ज़्यादा खाता है और इतना टेस्टी होता है। आगे तो चाहिए सब्जी पक गया है। ये चिकन करी जो बेम्बू शूट से बनाया था, ये बॉयल मणिपुर का स्टाइल में बनाया जो कि नमक कुछ भी नहीं है। और ये किंग चिली चटनी इतना टेस्टी है गाइस, आप लोग ऐसे ज़रूर ट्राई करें, इतना टेस्टी है। मैं खा के दिखाती हूँ ये बेम्बू शूट के साथ। असली में खा रहा है, उसको मैंने धो के दिया क्योंकि इसमें किंग चिली था जो कि बहुत झाल है खाने में। और मीट खाऊंगी, देखिए मीट इतना टेंडर इतना सॉफ्ट बना है, बहुत देर पकाया आधा घंटा के ऊपर। और गाइस आप लोग घर में ट्राई कीजिए, इतना टेस्टी बना है, इतना टेस्टी बना। ये चटनी के साथ तो और टेस्टी है, बहुत अच्छा है। ठीक है गाइस, आप लोग इस तरह से मेरा चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये घर में ट्राई करके बताना कैसा लगा कमेंट में आके, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं इस तरह से और अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊँ ना उस दिन। हाँ बोलो। हाँ तो हम लोग को सब्सक्राइब करना, ठीक है। हाँ उधर बोलो, सब्सक्राइब करो, बोलो सब्सक्राइब करना, ठीक है। सब्सक्राइब करो। हाँ और बाय। अभी मैं भी मेरा खाना एंजॉय कर रही हूँ।